हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित कुछ उपकरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये विद्युत बल्ब, विद्युत ऊष्मक, विद्युत प्रेस और विद्युत फ्यूज, ये ऐसे उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो हम एक एक उपकरण को उठाएंगे और उसके विषय में चर्चा करेंगे कि क्या क्या उसमें हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत बल्ब क्या होता है। विद्युत बल्ब में अगर इसकी संरचना को देखें तो एक कांच का खोखला गोला होता है जिसको हम कांच का बल्ब कहते हैं। इस कांच के बल्ब का ऊपरी सिरा बंद होता है और ऊपरी सिरे पर एक एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है तथा इस कांच के बल्ब के ऊपरी सिरे से ही एक कांच की छड़, ये जो छड़ है ये कांच की छड़ है, ये लगी हुई होती है और इस छड़ के सहारे एक धातु का मोटा सुचालक तार, ये तार और ये तार धातु का मोटा सुचालक तार है जो इस कांच के बल्ब से होते हुए बाहर की तरफ निकली होती है। इस मोटे सुचालक तार के बाहरी सिरे पर दो टाँके एल्यूमिनियम के लगे हुए होते हैं तथा इस टोपी के अंदर चपड़ा भर दिया जाता है ताकि ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए और पूरा का पूरा बल्ब एक तरह से बंद रहता है। इस सुचालक तार में, ये दोनों सुचालक तार के सहारे एक टंगस्टन का तंतु लगा होता है, ये टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ होता है। साथ ही इस कांच के बल्ब से वायु निकाल करके या तो निर्वात कर दिया जाता है या तो इसमें नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन और आर्गन गैस दोनों ही गैसें अक्रिय गैसें होती हैं, इसके कार्य को हम अभी चर्चा करेंगे। तो इस टाँके के माध्यम से जब हम इस दोनों सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत धारा टंगस्टन के तंतु से चलने लगती है और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण टंगस्टन का तंतु अत्यधिक गर्म हो जाता है, इसका ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है और जब ताप बढ़ता है तो इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस ताप का कुछ भाग या उस ऊष्मीय ऊर्जा का लगभग 5 से 10% भाग प्रकाश में बदल जाता है और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है प्रकाश देने लगता है। अब नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस क्यों भरी जाती है या बल्ब में निर्वात क्यों उत्पन्न किया जाता है? जब इस टंगस्टन के तंतु का ताप बढ़ता है तो इस टंगस्टन के तंतु के साथ इसमें जो वायु भरी रहती है वो अभिक्रिया करने लगती है, केमिकल रिएक्शन करने लगती है और टंगस्टन का तंतु क्षयित होने लगता है। ऐसी स्थिति में ये टंगस्टन का तंतु टूट जाता है या गल जाता है, पिघल जाता है और ये पूरा का पूरा बल्ब डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब इसमें वायु को निकाल करके निर्वात कर दिया जाता है तो इस टंगस्टन के तंतु के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इसका जीवन काल बढ़ जाता है और ये अधिक दिनों तक काम करने लगता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन और आर्गन भर दी जाए, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया टंगस्टन के तंतु के साथ ना के बराबर होती है और ऐसी स्थिति में इस टंगस्टन के तंतु की लाइफ बढ़ जाती है और टंगस्टन के तंतु के लाइफ बढ़ जाने से इस पूरे बल्ब का जीवन काल बढ़ जाता है। तो आपसे इस विद्युत बल्ब में दो तीन प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि इस बल्ब में टंगस्टन का तंतु ही क्यों लगाया जाता है? तो आपका आंसर होगा कि क्योंकि इस टंगस्टन के तंतु का प्रतिरोध ज़्यादा होता है और जब प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है तो W=I²RT के हिसाब से यदि टंगस्टन के तंतु का प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा पैदा होगी और जब उसमें ऊर्जा ज़्यादा पैदा होगी तो ये ज़्यादा तप्त लाल होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण ये प्रकाश अच्छी तरह से देगा, तो इसलिए टंगस्टन के तंतु का उपयोग किया जाता है कि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में अधिक मात्रा में बदलेगी और अधिक मात्रा में बदलने के कारण ऊष्मीय ऊर्जा का जो 5 से 10% प्रकाश के रूप में
बाहर निकलता है वो ज़्यादा निकलेगा और हमें अच्छी तरह से प्रकाश मिलेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन आपके साथ बनता है वो ये कि इस विद्युत बल्ब में आर्गन अथवा नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, तो आप कहेंगे कि आर्गन एवं नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, वो टंगस्टन के तंतु के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए टंगस्टन का तंतु का क्षय नहीं होता है और वो नष्ट नहीं होता है और टंगस्टन के तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, जिससे कि इस बल्ब का जीवन काल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारा विद्युत बल्ब हुआ जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला जो उपकरण है वह है विद्युत ऊष्मक, इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है। इस इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है, नाइक्रोम के तार का एक सिरा यहाँ पर है और ये कुंडली नुमा इस तरह से घूमते हुए ऐसे करके इस चीनी मिट्टी के खांचे में व्यवस्थित होती है, यानी विद्युत ऊष्मक या इलेक्ट्रिक हीटर में चीनी मिट्टी का एक खांचा होता है और इस खांचे में नाइक्रोम का तार कुंडली नुमा बना करके सेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, समायोजित किया जाता है। अब नाइक्रोम का तार क्या होता है, नाइक्रोम का तार जो होता है वो निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। निकिल इसमें 80% तक और क्रोमियम इसमें 20% तक मिलाया गया होता है। चूँकि नाइक्रोमियम के तार का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रतिरोध R इक्वल टू जो हम लिखते हैं रो इंटू एल बाई ए, तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान ज़्यादा है तो छोटे से लंबाई में ही प्रतिरोध ज़्यादा निकल के आएगा। चूँकि नाइक्रोमियम के तार का जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसी फार्मूले के हिसाब से I²RT के हिसाब से प्रतिरोध के ज़्यादा होने से उष्मीय ऊर्जा ज़्यादा पैदा होगी और उष्मीय ऊर्जा ज़्यादा पैदा होगी तो उस विद्युत ऊष्मक के सहयोग से हम उष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके अपने घरेलू काम में इसका उपयोग लेंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें भी वही क्वेश्चन बनता है कि विद्युत ऊष्मक में नाइक्रोम का तार क्यों लगाया जाता है, तो आप बताएंगे कि चूँकि नाइक्रोम के तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए छोटी लंबाई में ही इसके प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रतिरोध का मान ज़्यादा होने के कारण W=I²RT के हिसाब से विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बहुत ज़्यादा बदलती है और हमें पर्याप्त मात्रा में उष्मा मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा विद्युत ऊष्मक, चीनी मिट्टी के खांचे में नाइक्रोम का तार कुंडली नुमा करके समायोजित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। कुंडली नुमा इसलिए क्योंकि थोड़े ही जगह में, चूँकि चीनी मिट्टी का खांचा छोटा ही होता है, तो छोटे से जगह में लंबा से लंबा तार को हम इसमें एडजस्ट कर सकें। तार की लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध जितना होगा, तो नाइक्रोम के तार का विशिष्ट प्रतिरोध तो ज़्यादा होता ही है और अधिक लंबा तार को इस खांचे में समायोजित करने के लिए हम इस नाइक्रोम के तार को कुंडली नुमा बना देते हैं और प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण, लंबाई ज़्यादा होने के कारण प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है और प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण W=I²RT के हिसाब से विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में ज़्यादा बदलती है और हमें पर्याप्त मात्रा में उष्मा मिल जाती है। अगला जो हमारा विद्युत उपकरण है वो है विद्युत इस्त्री, विद्युत प्रेस। तो विद्युत इस्त्री में जो विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा परिवर्तित होता है या इसमें भी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का सिद्धांत कार्य करता है, इसमें अभ्रक की चादर होती है। किसकी चादर होती है, अभ्रक की चादर होती है। इस पर नाइक्रोम का तार इस तरह से देखिए लपेटा गया है। अब जब नाइक्रोम का तार लपेट दिया जाता है और इसका दो सिरा इस संबंधक पेज से जोड़ दिया जाता है, नाइक्रोम के तार का दो सिरा इस संबंधक पेज से जोड़ दिया जाता है। इस संबंधक पेज के माध्यम से इस नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। चूँकि आप विद्युत हीटर में ही देख चुके हैं कि नाइक्रोम का तार जो होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है और इस अभ्रक के चादर पर ये नाइक्रोम का तार लपेटे रहने के कारण इसमें लंबाई भी ज़्यादा लपेटी जाती है, इसलिए इस नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है और प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। कुंडली नुमा नाइक्रोम के तार से लपेटा हुआ अभ्रक का चादर विद्युत प्रेस के लोहे के बने हुए आधार पर रख दिया जाता है और लोहे के बने हुए आधार का जो निचला सिरा होता है उस पर क्रोमियम का लेप कर दिया जाता है।
तथा इस अभ्रक के चादर के ऊपरी सिरे पर एवेस्टस की चादर लगा दी जाती है। एवेस्टस की चादर क्या होती है कि उष्मा की कुचालक होती है, यानी वो अपने अंदर से उष्मा बाहर नहीं जाने देती है। जब अभ्रक की चादर के ऊपर एवेस्टस की चादर लगा दी जाती है तो उष्मा विद्युत प्रेस से ऊपर नहीं जाती है, और इस अभ्रक की चादर का सीधा संबंध विद्युत प्रेस के बेस से होता है जो लोहे का बना हुआ होता है, तो लोहा गर्म होता है। और नीचे क्रोमियम की पॉलिश की जाती है, उस क्रोमियम की पॉलिश की वजह से विद्युत उष्मा का क्षय कम से कम होता है, और पूरा का पूरा जो विद्युत प्रेस विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो उष्मा पूरी की पूरी हमको मिलती है और विद्युत प्रेस अपना काम करता है। इस नाइक्रोम के तार में भी 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम होता है। तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि नाइक्रोम के तार में कौन कौन से मेटल होते हैं, तो आप बताएं कि नाइक्रोम के तार में निकिल और क्रोमियम होते हैं। निकिल 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है। अगला जो उपकरण हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज। तो घरों के वायरिंग में एक विद्युत सुचालक तार का जाल बना होता है, जाल बिछा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए ढेर सारे विद्युत के सुचालक तार लगाए जाते हैं, और उसमें अर्थिंग और फेस दो प्रकार के तार होते हैं। एक तार में अर्थिंग दी जाती है, दूसरे तार में फेस दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो विद्युत उपकरण के जल जाने की या क्षतिग्रस्त हो जाने की संभावना होती है, या कह लें कि कभी कभी इस वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, दो तार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जब दो तार अर्थिंग और फेस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी विद्युत धारा की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे स्थिति में वो बढ़ी हुई विद्युत धारा जब विद्युत उपकरण में, हमारे घर में लगे हुए उपकरण में जाती है, तो वो उपकरण जल जाता है, खराब हो जाता है। तो इस दोष से, इस नुकसान से बचने के लिए हम दोनों ही तार में या किसी एक तार में, या कह लें अर्थिंग वाले तार में या फेस वाले तार में या दोनों तार में, हम क्या लगाते हैं, विद्युत फ्यूज लगाते हैं। अब इस विद्युत फ्यूज को दोनों तार में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में जब लगाते हैं तो जब कभी किसी भी तार में विद्युत धारा की तीव्रता का मान बहुत अधिक हो जाता है तो वो विद्युत धारा इस विद्युत फ्यूज के प्लग में लगे हुए फ्यूज तार से भी प्रभावित होती है। और ये फ्यूज तार जो होता है वो बना हुआ होता है ताबा, टीन और सीसा को मिश्रित करके, ताबा, टीन और सीसा को मिश्रित करके ये फ्यूज तार बना होता है। इस फ्यूज तार की विशेषता होती है कि इसका गलनांक कम होता है, कम होता है, और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। तो जब इस फ्यूज तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जब कभी शॉर्ट सर्किट हो जाने से या अर्थिंग और फेस दोनों तार के एक साथ मिल जाने से विद्युत धारा का बहुत अधिक प्रवाह हो जाता है, या पावर स्टेशन से ही विद्युत धारा का मान बहुत अधिक प्रोवाइड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस फ्यूज तार से वो विद्युत धारा चलती है। और चूँकि फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है, तो जब इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उष्मीय ऊर्जा ई कह लें या डब्लू कह लें, ये जो होता है आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। और जब धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है तो उष्मीय ऊर्जा यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, और चूँकि इस तार का गलनांक कम होता है तो उष्मीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के कारण ये तार क्या हो जाता है, पिघल जाता है, गल जाता है, और गल करके टूट जाता है। और जब ये तार टूट जाता है तो ऐसी स्थिति में घरों में विद्युत धारा का प्रवाह यहीं से रुक जाता है और हमारे जो विद्युत उपकरण हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है तो इसके आगे विद्युत धारा नहीं जा पाती है। तो इस विद्युत फ्यूज को घरों में वायरिंग के प्रारंभिक स्थान पर लगाते हैं, तो यहाँ पर जब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है और ये उष्मीय ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है और जो विद्युत तार है वो उस उष्मीय ऊर्जा के कारण गल करके टूट जाता है और घरों में आगे विद्युत धारा नहीं चलती है और सारे के सारे उपकरण हमारे क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये हमारे हो गए
चार उपकरण विद्युत बल्ब, विद्युत ऊष्मक, विद्युत स्त्री और विद्युत फ्यूज जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। जब कभी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसको आप पढ़ चुके हैं। तो हर उपकरण में यहाँ पर टंगस्टन के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होती है जो ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होती है। इस पूरी ऊर्जा का 5-10% हमको प्रकाश के रूप में मिलती है और हम इस विद्युत बल्ब से प्रकाश प्राप्त करते हैं। यहाँ पर नाइक्रोम का तार होता है जो निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। 80% इसमें निकिल होता है और 20% क्रोमियम होता है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो नाइक्रोम का तार बहुत अधिक ऊष्मा प्रदान करता है और उस ऊष्मा का उपयोग हम अपने घरेलू कामों में करते हैं। यहाँ पर विद्युत प्रेस है, इसमें भी नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है। इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा परिवर्तित होता है, जिसका उपयोग हम घरों में कपड़ा वगैरह प्रेस करने के लिए करते हैं। अंत में विद्युत फ्यूज होता है, इसका काम होता है कि घरों में विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। जब विद्युत धारा बहुत अधिक प्रभावित होती है तो घर के वायरिंग के प्रारंभिक स्टेज पर इसको लगाते हैं। विद्युत धारा के अधिक प्रवाह होने के कारण फ्यूज तार में उसमें ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है और ये फ्यूज तार पिघल करके टूट जाता है और यहीं पर धारा क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। घरों में धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है और हमारे उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो आज हमने देखा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हमारे ये उपकरण थे जो किस तरह से काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।